राजस्थान की असली पहचान इस मरुभूमि के गांव से है। राजस्थान के गांव अपनी फसलों और पशुपालन के लिए विश्व विख्यात हैं, लेकिन राजस्थान की ये लोकप्रियता आज मूलभूत सुविधाओं के अभाव में तरस रही है। मौजूदा भाजपा सरकार ने तो मानो इस क्षेत्र से मुंह ही मोड़ लिया है। इसके विपरीत राज्य के दुग्ध उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं की समस्याओं का निराकरण एवं कार्यशैली पारदर्शिता लाने के लिए अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल में अनेक नवाचार किए। कई उत्कृष्ट कार्य अशोक गहलोत सरकार के दौरान किए गए। वहीं जैसे ही सत्ता की कमान वसुंधरा राजे के हाथ में आई, डेयरी और पशुपालन के क्षेत्र का विकास पूरी तरह ठप हो गया। अशोक गहलोत सरकार के दौरान डेयरी क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व कार्य, दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, दुग्ध उत्पादकों को मिला अधिकतम खरीद मूल्य, गौ संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए किए गए ढेरों नवाचार, सरस आपके द्वार योजना भी हुई शुरू, डेयरी विकास के लिए किए गए अभूतपूर्व कार्य, 24 घंटे टेलीफोन हेल्पलाइन की स्थापना, बल्क मिल्क कूलर्स स्थापना पर दिया बल, सरस सामूहिक आरोग्य बीमा से दुग्ध उत्पादकों सदस्यों को किया गया बीमित। वहीं इसके विपरीत सत्ता में आई राज्य सरकार के दौरान पशुपालकों और डेयरी के क्षेत्र के लिए अभिशाप बनी इस वर्ग को वसुंधरा राजे कार्यकाल में पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। डेयरी में कई घोटाले आए सामने। प्रशासनिक तंत्र में समन्वय की कमी के कारण लचर व्यवस्था, पशुपालकों को नहीं मिला खरीद का उचित मूल्य, जयपुर डेयरी सदैव रही विवादों में, डेयरी क्षेत्र में एसीबी ने पकड़ा कई भ्रष्ट अधिकारियों को। ये भाजपा सरकार के कुशासन का ही परिणाम है कि राज्य सरकार का ये महकमा भी पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। जिस क्षेत्र से राजस्थान को नई पहचान मिल सकती थी वो गर्त में रहा।